बच्चे लोग, क्या आपको पता है कि लेबोरेटरी में जो हम बर्नर यूज करते हैं उसका भी नाम है? नहीं, मैंने नहीं रखा है अपनी मर्जी से, उसका पहले से नाम है, तो इसको बोलते हैं बंसिन बर्नर, क्योंकि रॉबर्ट बंसिन ने इसको इन्वेंट किया था इन 1855। अब हमारे काम की चीज इसमें क्या है, इसमें दो टाइप की फ्लेम होती, तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट में बोला जाता है या तो लो फ्लेम पे करो या हाई फ्लेम पे रिएक्शन को करो, तो कैसे करो? तो यहाँ पे अभी मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ, तो ये वाली फ्लेम है। अब इसमें देखो पाइपलाइन से सीधे सिर्फ फ्यूल आ रही, जो हमारी एलपीजी है, तो उसकी आग ऐसी लगती है, और यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है जो बंद है, तो अगर बंद है तो लो फ्लेम आएगी, लेकिन अगर मैंने इसको खोल दिया, ये देखो यहाँ पे ये होल है, ये बंद है, तो ऐसी आग मिलेगी, और अगर मैंने इसको खोल दिया है तो स्ट्रॉन्ग फ्लेम मिलेगी। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम है, अब उसमें एयर भी मिक्स हो रही है एलपीजी के साथ में, तो एलपीजी प्लस एयर आ रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, स्ट्रॉन्ग फ्लेम, और अगर ये होल को बंद कर दिया, अब ब्लॉक कर दिया हमने एयर को आने का, तो सिर्फ फ्यूल की आग आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम और लो फ्लेम। So this is all possible because of Robert Uncle.